हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे मैंने सैटरडे को आफ्टरनून में व्लॉग एंड कर दिया था, उसी से आगे कंटिन्यू किया है। मेरी डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोग 3:30 बजे के आसपास निकले हैं अपॉइंटमेंट के लिए, और मेरी और हस्बैंड के दोनों की थी। उनको जो उनका विजडम टूथ है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उनको चेकअप करवाना है, और मुझे भी अपने दांत जो है वो दिखाने हैं, और क्या प्रॉब्लम है कैसे है वो मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपसे। बाकी मैं सबसे ज़्यादा पता है क्यों एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाने की परमिशन मिल जाएगी। सिद्धार्थ के दांत में जब भी कुछ होता था तो फिर बाद में उसको डॉक्टर बोलते थे कि आइसक्रीम खा लेना। मेरे को उसकी एक्साइटमेंट हो रखी है कि आइसक्रीम खाने मिलेगी। आइसक्रीम खाने में दिलाओगे दांत तोड़वाओगे तो आइसक्रीम खाने में। दांत तो ऑलरेडी टूट गया है, क्या अब तो जुड़वाने जा रहे हैं उसको, और उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे आइसक्रीम। हाँ यहीं कहीं है, कहाँ। चलो जी पहुंच गए हम डेस्टिनेशन पे। पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे नहीं पता। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सुतला के बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी जबान और ये सारा पोर्शन एनेस्थीसिया के असर में है, सारा सुन हो गया है। तो ज़्यादा बोलने में मना किया, नहीं तो मेरी जबान कट जाएगी। आज की आइसक्रीम बहुत महंगी पड़ गई, बहुत महंगी पड़ गई। एक्सरे करने के बाद बड़ा आराम से बताऊंगी तसल्ली से, पर अच्छा खासा ट्रीटमेंट होगा मेरे दांतों का। सही है ना कि सही टाइम पे ट्रीटमेंट होगा, लेकिन क्या ट्रीटमेंट किया, रूट कैनाल तो हो गया है। तीन चार सिटिंग होंगी अभी। आज फर्स्ट सिटिंग था, वो भी एक साइड का, अभी दूसरे साइड का सिटिंग होगा, क्योंकि दोनों एक साथ सुन नहीं कर सकते थे ना, एक साइड का सुन किया है अभी। अभी टाइम हो गया 7:45 का समय हो गया। हम लोग आए थे यहाँ पे 3:30 बजे निकले थे हम लोग ना, 3:30 बजे के आसपास निकले थे हम लोग। अभी टाइम हो रहा 7:45, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इनका भी था, इनका विजडम टूथ में प्रॉब्लम है, तो इनका भी रिमूवल होगा, लेकिन उसके लिए अभी हम वेट कर रहे हैं। पहले मैं अपना करवाऊंगी, फिर इनका होगा, क्योंकि प्रॉब्लम इनको कुछ है नहीं, तो थोड़े दिन रुक के हमने सोचा एक एक करके करवाते हैं। और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी पेन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे खाया नहीं जा रहा था खाना। तो आइसक्रीम मिलेगी यार, लेकिन बड़ी महंगी पड़ी आइसक्रीम आज की। पूरा जेब डिग्री हो गई आइसक्रीम के चक्कर में। लेकिन डेंटल ट्रीटमेंट इतना महंगा होगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सीरियसली महंगा होता है, बहुत महंगा। और भी गुड इवनिंग एवरीवन, आज हो गया नेक्स्ट डे, और मैंने आपको कोई अपडेट भी नहीं दिया आने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मुझे। अचानक से दांत का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया था, 20-25 दिन हो गए इस बात को। तब से मैं सोच रही थी कि मैं दिखाऊं, मुझे उसमें पेन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस समय वो छोटा सा टुकड़ा टूटा उस समय भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक होल हो गया था, तो उसकी वजह से खाना फंस रहा था, तो डेंटिस्ट के पास जाना था, और सेम प्रॉब्लम मुझे इधर हो रहा था, थोड़ा सा खाना फंस रहा था यहाँ पे। और जब हमने वहाँ पे एक्सरे कराया, मैंने अपने ईयरिंग्स भी उतारे हुए हैं, क्योंकि एक्सरे के समय उतरवा देते हैं। तो जब एक्सरे करवाया तो मुझे जो दांत टूटा था इसमें तो प्रॉब्लम थी, अंदर से पूरा काफ़ी ख़राब हो रखा था वो दांत, ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा था, अंदर
मतलब काफ़ी उसमें गड़बड़ थी और इधर दो दो दांतों में गड़बड़ थी, मतलब मुझे इन टोटल 3 दांतों का रूट कनाल करवाना पड़ेगा। तो क्योंकि एक साथ नहीं करवा सकते ना, एनेस्थीसिया देते हैं वो लोग, तो इस दांत का कलम करवा के आए हैं। अभी मुझे 3 सिटिंग और लगेंगी, तब जाके मेरा दोनों दांतों में होगा। थोड़ी स्वेलिंग भी है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो। अभी थोड़ा बेटर है, हल्का एकदम लाइट पिंच टाइप का मुझे पेन वहाँ पे महसूस हो रहा है जब भी मैं कुछ खा रही हूँ। हालाँकि अभी उधर से खाना नहीं है, इधर से ही खाना है। तो कई बार ऊपर से चीज़ें इतनी वर्स नहीं दिखती हैं, इतनी ख़राब नहीं होती हैं। इवन इनफैक्ट कुछ भी ऊपर से कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, अच्छा खासा दांत था। बस एक दिन टूट गया जब वो थोड़ा सा टुकड़ा, तो मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है तभी टूटा है, बाकी ऊपर से एकदम वाइट, कोई कैविटी नहीं, कुछ नहीं। इवन 2019 में मैंने इन्हीं दोनों दांतों का एक्सरे करवाया था, क्योंकि इनमें कभी कभी फूड पार्टिकल फंस जाते थे, तो जिनसे मैंने अभी ट्रीटमेंट लिया उन्हीं से मैंने करवाया था। तो उन्होंने भी देख के कहा था कि अभी आपको इसमें कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए 1.5 साल बाद ही इतना ज़्यादा हो गया, ये तो कुछ नहीं कह सकते ऊपर से क्या और अंदर से क्या मामला चल रहा है। तो अभी वही है, और अभी इवनिंग हो गया है संडे का। हम लोग ने पूरा दिन आज स्पेंड कर दिया, कोई व्लॉग नहीं बनाया। मम्मी और श्वेता अभी उस रूम में, मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि शाम हो गई है तो कुछ स्नैक्स के लिए बनेगा, तो एक बढ़िया सा चटपटा सा स्नैक्स मैं आपके लिए बना के तैयार करूँगी। बहुत हेल्दी भी है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है उसके बारे में सोच के। सोचिए कितना चटपटा होगा, एकदम स्ट्रीट फूड है लेकिन फ्राइड नहीं होगा। हम उसको बेक करके बनाने वाले हैं। और चलिए मम्मी से आपको मिला देती हूँ, क्योंकि आप लोग ज़रूर मिलना चाहोगे मम्मी से। मिला देती हूँ। हाँ माता जी, ये हमारी श्वेता। कुछ लोगों ने कहा कि लगता है श्वेता की शादी होने वाली है, तो डाउट हम क्लियर कर दें, इसकी शादी नहीं हो रही है। ये अभी शादी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आप यहाँ आए ना तो कुछ लोगों ने गेस किया कि लगता है श्वेता की शादी होने वाली है। नहीं जी, श्वेता की शादी अभी नहीं हो रही है। अभी उसको थोड़ा सा अपना प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा और इस्टेब्लिश करना है, उसके बाद उसकी शादी होगी। बाल वाल सही कर लो मम्मी। मम्मी लेटी हुई थी एक्चुअली। अब सामने से थोड़ा हाय हेलो बोल दो। हाय हेलो। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? महीनों हो गए आपसे मिले हुए। सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा मम्मी को देख के, बहुत ही भोली वाली सी हैं आपकी मम्मी, तो उनको देख करके उनकी प्रेजेंस हमको बहुत अच्छी लगती है। मतलब आपका यहाँ रहना सबको बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स। है ना मम्मी, इसको अरे भाई ये ढूंढ ढूंढ के कपड़े, पता नहीं कपड़े कहाँ से आते हैं। मेरे घर में तो इतने कपड़े हैं भी नहीं जितने धो डाले इसने। सुबह से इसने मशीन लगाई हुई लड़की ने, पता नहीं कितने राउंड लगाए। 4-5 हो गए। देखो 4-5 हो गए। मैं यहाँ 2 दिन में एक बार लगाती हूँ। और ये क्या कहते हैं, घर पे भी रहती है तो ये करती है ना, ये करती है। ये अच्छा है, मेरे को हंसने में भी दर्द हो रहा है। यहाँ तक पेन है, यहाँ भी सूजन है, ये पूरा पोर्शन, इवन यहाँ तक मुझे पेन है, या नीचे तक पेन है। दांत में ज्यादा है नहीं, दांत में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये चीज और ये ऊपर की चीज, इवन जो मेरे गम्स है ना वो बहुत स्वेल है। अगर इधर का देखो तो इधर काफी स्वेलिंग हो रखी है, और अभी इधर के भी तुड़वाने हैं। दो बताओ, इस उम्र में मम्मी मेरे दांत 3 टूट गए। कैपिंग बहुत मोटा, मतलब रूट कनाल का तो मैं कहूँगी उतना चार्जेस नहीं है, स्टैंडर्ड चार्जेस है, लेकिन जो उसकी कैपिंग होती है ना, बिकॉज मुझे कैपिंग करवानी पड़ेगी अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म तक ठीक रखना चाहती हूँ, जो कि ऑब्वियसली मैं रखना चाहूँगी, तो कैपिंग बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। मतलब मेरे होश उड़ गए सुन करके कि इतना एक्सपेंसिव है कैपिंग। मुझे पता नहीं था कि डेंटल ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा महंगा हो सकता है। तुम्हें भी ब्रसल्स लगवाने में कितना, 26,000 रुपये लगे ना, वो भी तुम्हारे सस्ता मिल हो गया, नहीं तो और महंगा ट्रीटमेंट होता ना इसका। मैंने कई जगह पता किया था तो 50,000 35,000। हाँ जी बेटू, कुछ नहीं खराब है, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। आप खुश हो? इसलिए खुश हो मेरा वो वाला सेट आ गया, कंपास वाला, कंपास का सेट आ गया। अरे उसके अलावा नानी भी तो आ गई है। अच्छा सिद्धार्थ का क्या फेवरेट पार्ट है नानी के साथ में? सिद्धार्थ का फेवरेट पार्ट है, नानी हिंदी की रीडिंग करती है और हिंदी की डिक्टेशन देती है, उसको बहुत मज़ा आता है। और जब वो गेम खेलता है तो ये बैठ के देखती रहती हैं, उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं खेलूं और वो देखें, क्योंकि जब वो खेलता है तो हम लोग तो नहीं देखना चाहते हैं भाई, हम लोग के पास अपने अपने काम में बिजी रहते हैं,
खेल लेती हूँ मैं उसके साथ ऑब्वियसली थोड़ा सा, लेकिन हर बार जब वो खेल रहा हो तो देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, या हस्बैंड के लिए भी। तो अब उसका सबसे अच्छा ये है कि नानी देखेंगी और मैं खेलूँगा, है ना सर? कहाँ छुपे हो बेटू? अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। भूख लग रही है तो मैं बनाने जा रही हूँ यम्मी यम्मी स्नैक्स। क्या? दही वाला है लेकिन वो, ओह गॉड, यू डोंट लाइक कर्ड? चलो ठीक है, मैं कुछ और आपके लिए मन की चीज़ बना। चलो ठीक है, अब मैं आपके साथ सीधा रेसिपी शेयर करती हूँ, बाकी की बातें और बाकी की मुलाकातें अगले ब्लॉग्स में धीरे धीरे आपको पता चलेंगी। और मैंने लास्ट ब्लॉग में आपसे बोला था कि मैं इस बार आपको वो दिखाऊंगी, मम्मी बहुत सारा सामान बना के लाई है, बहुत अच्छा अच्छा, आप देख के खुश हो जाओगे, अपने हाथों से बना के लाई है, तो वो मैं इस ब्लॉग में दिखाने के लिए बोला था, लेकिन ये बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं तसल्ली से इसके अगले वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। अब आप रेसिपी देखो जाके। अभी सिर्फ मुलाकात हुई है, मुक्का लात तो एक दो दिन बाद होगी। मुक्का लात एक दो दिन बाद तुम लोग की शुरू हो जाती है। क्या 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 इस बार क्या? इस बार प्यार से रहना है, पिछली बार रहे थे प्यार से रहना। ये देखो, ये प्यार देखो बेटा, ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा ज्यादा तेज लगा ना तो गिरेगी नीचे जाके वो। मेरी मुक्का लात में परमात्मा से मुझे। तो इस भयंकर हंसी के लिए मैं माफी चाहती हूँ, मैं थोड़ा भयंकर टाइप हंसती हूँ। उम्मीद है अभी तक आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाते हैं। आज की जो रेसिपी है वो चटाकेदार है, मतलब चटपटी वाली रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ पापड़ी चाट, लेकिन ना ही मैं इसमें मैदे का इस्तेमाल करूँगी और ना ही मैं इसको डीप फ्राई करूँगी, ये एकदम हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। मैंने एक कप भर करके आटा लिया है, जो हम रोटी बनाते हैं सेम वही आटा हमें चाहिए यहाँ पे। एक कप आटा के अगेंस्ट मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सूजी के इस्तेमाल किए हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्रंच और क्रिस्पीनेस लाने के लिए। साथ ही मैंने इसमें डाला है नमक और 1/2 छोटा चम्मच से भी कम अजवाइन मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अजवाइन की जगह आप जो शाह जीरा है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है मोयन के लिए। अब इसको अच्छी तरीके से को मिक्स करना है। मोयन हमेशा मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, जब मुझे लगता है कि अब ठीक है परफेक्ट है तब मैं रोकती हूँ। तो अभी 1 टेबलस्पून डाला है मैंने, थोड़ी देर बाद मुझे ये कम लगेगा तो मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून और डालूँगी। तो इन टोटल मैंने 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल यूज़ किया है, और ये ओनली ऑयल है यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान जो हम यूज़ करेंगे, इसके बाद किसी भी तरीके की कोई तेल की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पापड़ी चाट है मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ, तो अगर आप 1.5 चम्मच से भी कम ही ऑयल रहा होगा, 1.5 चम्मच अगर पूरी फैमिली में 5 लोगों की डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत कम कम ऑयल है। ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसे वेट लॉस के लिए भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं रेसिपी बना रही हूँ इसमें हल्का फुल्का चेंज करके आपका ये परफेक्ट वेट लॉस प्लान का डिनर हो सकता है। तो चलिए, हमने अच्छी तरीके से सारा आटा मिला लिया है। इतनी देर तक आप उसको मिलाइए, कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से सूखे आटे को तेल में मिलाइए ताकि वो क्रम जैसा हो जाए। उसके बाद हम नॉर्मल सिंपल जो रूम टेम्परेचर वाटर है उससे हम इसका आटा गूंथ लेंगे। आटा जो है आपका वो रोटी की तरह मुलायम नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सख्त साइड पे होना चाहिए, जैसे कि हम पूरी वगैरह बनाते उस टाइप का आप इसमें आटा रखिए। और इतना सख्त आटा करके आप इसको अच्छी तरीके से मिला दीजिए। ऊपर देखिए हल्का सा मैंने तेल लगाया ताकि ऊपर से इसकी जो ऊपर की स्किन है, लेयर है, वो ड्राई ना हो। इसको ढक के मैं 15 से 20 मिनट छोड़ दूँगी। 15 से 20 मिनट बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा आटा, सूजी जो है उसमें वो भी फूल करके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यहाँ पे ये मैं इमली की चटनी बना रही हूँ, इमली की चटनी ख़त्म हो गई थी। पहले मैंने सोचा था मैं सॉस का इस्तेमाल कर लूँगी, लेकिन जब आप स्ट्रीट फूड बनाओ और ये चटनी आपके पास ना हो ना तो कोई काम का नहीं है, वो स्ट्रीट फूड सॉस वगैरह उसकी कमी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं फटाफट इमली चढ़ा देती हूँ, तो इमली की चटनी भी बना रही हूँ और यहाँ पर जो जीरा का पाउडर होता है ना, रोस्टेड जीरा पाउडर, वो भी बना रही हूँ। तो हर इंग्रेडिएंट एकदम फ्रेश फ्रेश रहेगा तो ये चाट खाने में और मज़ा आएगा। इमली की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है, शायद 2-3 उसके वर्जन है जो मैंने शेयर किए हैं, वो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आटा जो है वो हो गया है। अब जैसे हम रोटी का एक छोटा सा बॉल लेते हैं उसी तरीके के हम छोटे छोटे इसकी लोइयाँ सेपरेट कर लेंगे और इसको काफ़ी थिन करके आपको बेलना है। अगर आप मैदा यूज़ करते हो और आप उसको डीप फ्राई करते हो तो आप इसको थोड़ा सा थिक साइड भी रख सकते हो, लेकिन क्योंकि ना हमारे पास मैदा है और ना हम इसको डीप फ्राई करने वाले हैं तो आप एकदम जैसे हम पतली रोटियाँ बनाते हैं ना फुल के, उस टाइप का आप इसको थिन रखना। और उसके बाद फिर हम इसको इक्वल
गोलाई में कट कर लेंगे। तो कोई छोटी कटोरी है इस टाइप का, कोई बर्तन हो आपके पास या कुकी कटर हो तो आप ले लीजिए उसको और इस तरीके से छोटी छोटी टिकिया बना लीजिए इसकी। और इसको प्रिक करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो जैसे ही आप इसको ओवन में डालेंगे ये फूल करके गोलगप्पे बन जाएंगे और फिर ये पापड़ी वाला मज़ा नहीं आएगा इनमें। तो अच्छे से प्रिक कीजिए, छेद जो है वो आर पार होने चाहिए, ऐसा नहीं थोड़ा ऊपर ऊपर रहें, अच्छे से छेद आर पार हो ऐसा आपको प्रिक करना है। इनको मैंने बेकिंग ट्रे पे सजा दिया है, ओवन ऑलरेडी मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए इतना एक बैच में मैं इसमें डाल रही हूँ और आपको प्री हीटेड ओवन में इसको 180 डिग्री पे ही बोथ रॉड ऑन होंगे और साथ में कन्वेक्शन भी ऑन होगा। आपको इसको 5 मिनट तक बेक करना है एक साइड, उसके बाद आपको ट्रे को बाहर निकालना है और सारी ये जो पापड़ी हैं इनको फ्लिप कर देना है, उलट देना है और फिर इसको 4 मिनट तक पकाना है। तो टोटल 9 मिनट में ये पापड़ी बन गई है, 5 मिनट एक साइड और 4 मिनट एक साइड। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्पीनेस, मैंने आपको एक पापड़ी तोड़ करके दिखाया भी और आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा। और ये ऐसी पापड़ी बनी थी ना कि इनको आप बहुत अच्छे से काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, इतनी क्रिस्पी थी ये। ये दूसरा बैच किया है और इस बार तो मैंने सारा जो बेकिंग ट्रे है उसका एक एक कोना यूटिलाइज़ कर लिया। और ये देखिए आपको देख के ही लग रहा होगा ना कितनी मज़ेदार ये पापड़ी बनी है। और जब आप इसके ऊपर चाट का सारा सामान डालोगे ना तो ये कहीं से कहीं तक आपको ना तो मैदे की कमी इसमें महसूस होगी और ना ही आपको महसूस होगी इसमें डीप फ्राई आपने नहीं किया है उसकी कमी। तो बहुत यमी सा ये चाट बनेगा। यहाँ पे मैंने एक प्लेट के अंदर बेस दे दिया है पापड़ी का, उसके ऊपर बॉयल काबुली चना मैंने ऐड किया है, साथ में ऐड किया बॉयल पटैटो। चाट के ऊपर जब ये अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स और मसाले जाते हैं ना तो उसका स्वाद उसी से तो आता है। यहाँ पे मैंने दही लिया था जिसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है और इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच शुगर का भी ऐड किया था थोड़ी स्वीटनेस डालने के लिए। इसको अच्छे से फेंट करके तैयार किया है और इसको मैंने पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दिया दही को। अभी इसकी लेयर बाय लेयर हम लोग लगाएंगे तो अभी दही कम लग रहा होगा लेकिन ऊपर से भी मैं इसमें काफ़ी अभी चीज़ें दोबारा ऐड करूँगी। उसके बाद जो मैंने एकदम ताज़ी इमली की चटनी बनाई थी वो डाली है, साथ ही पुदीना धनिया की चटनी डाली है, प्याज डाला है, कच्चे टमाटर कटे हुए चॉप किए हुए डाले हैं, हरी मिर्ची मैंने इसके ऊपर डाली है, ये मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ चाट मसाला। इसके बाद जो सादा नमक होता है वो थोड़ा सा चुटकी भर डालेंगे, एक दो चुटकी हम इस पर काला नमक डालेंगे फ्लेवर के लिए, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना छोले और आलू ये सब फीके हैं, हमने इसको नमक के साथ बॉईल नहीं किया है तो इसलिए आप नमक इसमें अच्छे से डाल सकते हैं। फिर जो हमने जीरा भून के रखा था, सिका हुआ भुना हुआ जीरा, वो हमने ऐड किया है, हरे धनिया के पत्ते डालें और फिर ये सारी चीज़ें आपको रिपीट करनी है, मतलब काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना जीरा, प्याज, टमाटर, चटनियाँ जो भी हम तीन तरह की यूज़ कर रहे हैं वो सब आप इसके अंदर ना वो भी डाल सकते हो, अनार जो होता है अनार के दाने डाल सकते हो या ग्रेट किया हुआ बढ़िया सा चुकंदर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये जो भुजिया होती है ना बेसन वाली, ये रखी थी मेरे पास, इसको मैंने ऊपर से डाला है। ये मोटी वाली भुजिया है, आप पतली वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ बूंदे मैंने इसमें नींबू की रस की डाली है और एक दो बार ऐसे ही लेयर करते करते मैंने इसको बनाया है एंड आप बिलीव नहीं करोगे ये चाट इतनी डिलीशियस बनी थी, मम्मी को भी बहुत पसंद आई। इवन सिद्धार्थ दही नहीं खाता है, मैंने बहुत बार बोला लेकिन ये उसने हाफ प्लेट खाया है तो उसको जो फ्लेवर्स थे ना सारे मिक्स होके वो बहुत अच्छे लगे। तो बच्चों को भी आप पेट भर के भी खिलाएंगे तो भी आपको रिग्रेट नहीं होगा, ना ही मैदा है इसमें और ना ही ये फ्राइड है। तो ये थी आज की रेसिपी, आशा करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसको आज ही बना के ट्राई करोगे। अगर पसंद आई है रेसिपी या व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।